अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक दो बड़े इवेंट से आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में काफ़ी मसरूफियत बढ़ा देगा। दोनों बड़े इवेंट्स आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। इन पॉजिटिविटी से अगर आपके अंदर स्पार्क हो, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो मैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि सोलर सिस्टम या टाइम बिहेवियर्स या नेचर का सपोर्ट एंड फ्यूल आपको भरपूर अंदाज से मुयस्सर रहेगा एंड आप अपने मकासद में पूरा मुकम्मल कामयाब होने की उम्मीद रखें। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स पहले ही आपके 6th एंगल पर है और वो वहाँ पर इस साल की बल्कि पिछले 2 सालों की टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। मार्स का 6th एंगल पर होना आपके लिए इनफरादी ताकत में इजाफे की वजह बनता है, जैसे मस्कुलर एबिलिटीज़, जैसे मजबूत दिल, जैसे दिमाग, जैसे ह्यूमन जो एनर्जीज़ हैं उसका स्टैमिना इंक्रीज़ करना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट वहाँ पर मार्स अकेला नहीं है, आपके 6th एंगल पर जुपिटर भी है। दैट इज़ अ लकी साइड ऑफ योर लाइफ। उसकी वजह से गवर्नमेंट के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स में आपको अपनी सलाहियतों से एग्जिस्ट होने का मौका मिलेगा, अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने का मौका मिलेगा, अपनी पीआर, अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने का मौका मिलेगा। सो जुपिटर एंड मार्स बोथ आर इन योर फेवर, जिसकी वजह से आप अपने कामयाब, अपनी पर्सनालिटी अट्रैक्शंस, अपने मटेरियल एडवांटेजेस, अपनी फैमिली ग्रोथ, अपने वन ऑन वन रिलेशन, ये सब बेहतर कर सकते हैं। जो इस हफ्ते 2 मेजर इवेंट्स होंगे, मैं आपको 15 दिन पहले रिपोर्ट दे रहा हूँ। अमूमी तौर पर पहले मैं 7 दिन पहले रिपोर्ट दिया करता था। 15 दिन पहले रिपोर्ट देने का मतलब ये है कि आप अपने ज़्यादातर मामलात की प्रिपरेशंस कर लें, प्लान्स कर लें। आपके लिए 21 जून को सूरज आपके लिए 9th एंगल पर आ जाएगा। पहले ये 8th एंगल पर था, थोड़ा कमज़ोर था, 9th एंगल पर ये फुली परफॉर्म करेगा। इसकी परफॉर्मेंसेस आपको बड़े एडवांटेजेस देगी तालीम के हसूल के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करके उन्हें अपने नज़रियात और अपने प्लान से मुत्तफिक करने के लिए, अपने बड़े उम्र में भी बड़े और ओहदों में भी बड़े, दोनों तरीक़ों से लोगों को अपनी फेवर में करने के लिए, अपने कुलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए, अपनी तालीमी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए, अपनी आला तालीम के हसूल के लिए, समंदर पार जाने के लिए सूरज इतने बेनिफिट्स आपको बैठे बिठाए दे रहा है। और इस महीने, जो महीना 21 जून से शुरू होकर 20 जुलाई तक चलेगा, सूरज 9th एंगल पर, एक तो आता है एक साल में एक ही दफ़ा, आपको ऐसे प्लान्स देगा जो अगले महीने जुलाई के एंड पर जाकर वो प्लान मटेरियल एडवांटेजेस में बदलेंगे। तो इन 30 दिनों में जो भी प्लान आपके जहन में आए उसे इग्नोर मत करिए, उसे किसी ना किसी लेवल पर, चाहे हाफ हार्टेडली ही, लेकिन उसे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिए। वो अगले महीने से आपके लिए मनी मेकिंग, कैरियर स्टेबिलिटी, मटेरियल एडवांटेजेस, इख्तियारात में इजाफे की वजह बनेगा। फिर आपके लिए वीनस अब 8th एंगल पर आ गया, ये मरकरी के साथ 8th एंगल पर है, 23 तारीख को आएगा। ये इसकी अच्छी पोजीशन नहीं है। अपने रिश्तों को संभालिए, जिन लोगों से आपने लव कमिटमेंट की है, जिन रिलेशनशिप्स में आपके जज्बात की ज़रूरत है, उन उधर अगर वीनस की कमज़ोर पोजीशन की वजह से आपके पास नेचुरल फ्लो ऑफ इमोशंस ना भी हो, तो आप आर्टिफिशियल इमोशंस के तहत अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखिए। अगर नेचुरली बहारें चलती हों, नेचुरली जज्बात आ रहे हों, तो कोई फिक्र की बात ही नहीं, फिर तो बंदा खुद ही बड़ा रोमांटिक, बड़ा लविंग, बड़ा केयरिंग हुआ रहता है। बट वीनस के 8th एंगल की पोजीशन एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन है कि बंदा ज़रा ड्राई नेचर का हो जाता है, थोड़ा इरिटेटिंग, थोड़ा शक्की, थोड़ा जल्दबाज, एंड उसकी वजह से रिश्तों पर बड़ा बोझ आता है। रिश्तों में पेनल्टीज़ का आना, रिश्तों में दूरियां पैदा होना, आपसी दिलों का टेढ़ा होना, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। बट ये 15 दिन पहले खबर देने का मतलब ही ये था कि आप अपने आप को स्ट्रेंथन करें और उस स्ट्रेंथ से अपनी कामयाबियां हासिल करें। एक और खबर है, मार्स जुपिटर के साथ लकी फैक्टर के इवज जो कुछ आपको दे रहा है उसमें आप रिस्क टेकिंग भी कर सकते, कंस्ट्रक्शन कर सकते, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खेल की सनत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद अगर खिलाड़ी हैं तो अपने कंपटीशंस को प्लान कर सकते हैं इन दिन। सो मोस्टली स्कॉर्पियोज आर ऑन देयर बेस्ट।
मुझे लगता है कि अगर स्कॉर्पियो ज़रा सी भी अच्छी प्लानिंग करके अच्छे फोरम्स पर अपने आप को परफॉर्म करवाएं तो उन्हें बड़े फ़ायदे की उम्मीद मुयस्सर है। इन बड़े फ़ायदों में जो मैंने गिनवाई चीज़ें उन्हें थोड़ा सा लाइनअप कर दूँ। मार्स की वजह से सेहत तंदुरुस्ती, मार्स के साथ जुपिटर की वजह से लकी फैक्टर, एल्डर्स एंड सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात, सूरज की वजह से आपकी तालीमी सरगर्मियां और आपके प्लान्स मटेरियल एडवांटेजेस में कन्वर्ट होना, मरकरी और वीनस की वजह से लव लाइफ में कमज़ोरी आएगी, एंड लास्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उसको ओवरकम करने के लिए आपने ब्लू सफायर, रूबी या ओपल पहनना ही होगा। अगर उन तीनों चीज़ों को आप कंसीडर कर रहे हैं तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन को आप भूल जाइए, अब तक उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 दफ़ा और काले रंग को अवॉइड करिए, सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका करिए। अगर ये सब करने से मामला हल हो जाते हैं तो देन यू आर अ स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एंड कैरी करिए इन्हीं चीज़ों को। हर साल इसी तरह 5 महीने कमज़ोर आएंगे और आपको यही रेमेडीज़ परफॉर्म करके रिकवरी मिल जाएगी। बट अगर ये परफॉर्मेंसेज आप कर रहे हैं, ये रेमेडीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर इसे ज़्यादा उलझाइए नहीं, ज़्यादा बर्दाश्त मत करिए। फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ अ प्रोफेशनल डायग्नोसिस, उसके लिए आपका बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं स्कॉर्पियोज, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, वो आपके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेंगे। अगले हफ्ते की वीडियो मिस करने वाली नहीं है स्कॉर्पियोज। अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैं इस वीडियो में मिस कर गया हूँ तो मुझे इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते उसको भी एड्रेस कर सकूँ। मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।